हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑन वीर कार्ड नीटिंग। गाइस, आज की वीडियो में ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ मैं आपके लिए। बहुत शानदार डिज़ाइन है, बहुत ही प्यारा जालीदार डिज़ाइन है ये। देखिए, इसमें सारे में जाली बनती है। बैक साइड से इसका लुक कुछ ऐसे नज़र आता है। इस पैटर्न को आप लेडीज़ स्वेटर, लेडीज़ जैकेट, लेडीज़ कार्डिगन, टॉप, ब्लाउज, श्रग, बेबी फ्रॉक पर अप्लाई कर सकते हो। 8 रो का ये पैटर्न है और इस पैटर्न को बनाने के लिए जब भी हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं, 6 के मल्टीपल में करने हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 6, 6+6+6+3+2, ऐसे हमने स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं। 6 के मल्टीपल में लेके 5 स्टिच हमने एक्स्ट्रा ले लेने हैं पैटर्न को सेट करने के लिए। तो बहुत शानदार है, बहुत ही ईजी है। राइट साइड से पेन बनना शुरू होता है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने 23 स्टिचेस कास्ट ऑन किए हैं अपने नीडल पर, 23 फंदे, 18 फंदे लिए हैं मैंने तीन पैटर्न के लिए, 3 फंदे लिए हैं मैंने पैटर्न को सेट करने के लिए, 2 लिए हैं दोनों साइड एक एक एज स्टिच। तो राइट साइड से पैटर्न शुरू होता है। फर्स्ट रो राइट साइड, बॉर्डर के बाद राइट साइड से हमने शुरू करना है। फर्स्ट स्टिच को स्लिप कर लेंगे, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3, 3 फंदे सीधे बनाए, 1 2 3। ये तीसरे फंदे को लेंगे, ऐसे हमने ऐसे नीडल में लेना है और 2 फंदों के ऊपर से पास कर देना है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो चुका है क्योंकि एक फंदा हमने ऊपर से गिरा दिया है। तो क्या करेंगे, पहले फंदे को बुनेंगे, यहाँ पर जाली डाल लेंगे धागा रैप पर, दूसरे फंदे को भी सीधा बुन लेंगे। तो जो फंदा हमारा कम हुआ था वो जाली से बढ़ गया, तो 3 के 3 फंदे हमारे पास हो गए। एज स्टिच को छोड़ के देखिए, 3 फंदे मैंने सीधे बनाए, 3 फंदों में पैटर्न अप्लाई किया, 6 फंदे हो चुके हैं। इन्हीं 6 फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर से देखिए, 1 2 3, तीसरे फंदे को लेंगे और इन 2 फंदों के ऊपर से हमने पास कर देना है, गिरा देना है हमने। एक फंदा कम हो चुका है, पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, उसके बाद जाली डाल लेंगे। जो फंदा कम हुआ है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने जाली डाल लेनी, तो तीसरा फंदा भी सीधा बना देंगे। 2 पैटर्न हो चुके हैं हमारे, 3 फंदे सीधे, तीसरा पैटर्न बनने जा रहा है। तीसरा फंदा लेंगे, 2 फंदों को छोड़ के तीसरा फंदा लेंगे और तीसरे फंदे को ऐसे ऊपर से गिरा देंगे। एक फंदा सीधा बनाया, फिर जाली डालेंगे, फिर से इस फंदे को सीधा बना लें, लास्ट के 3 फंदे हमारे सीधे आ जाएंगे, 1 2 3। एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना है। इस तरह हमारी फर्स्ट रो राइट साइड से कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए हैं सेकंड रो पर, सेकंड रो रॉन्ग साइड। सेकंड रो हमने पूरी उल्टे उल्टे फंदों की बुन के कंप्लीट कर लेनी है और हर बार यहाँ पर ये रो उल्टी ही आएगी। रॉन्ग साइड में कोई भी पैटर्न अप्लाई नहीं करेंगे, हर बार हमने उल्टा ही बुनना है। जो जाली से फंदा बड़ा है उसको भी हमने उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हमारी रॉन्ग साइड से सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं राइट साइड थर्ड रो पर, तीसरी सिलाई में। ये देखिए, 2 फंदे बनाएंगे सीधे, एज स्टिच को हम स्लिप कर लेंगे, 1 2 2, फंदे सीधे बनाएं। अब हमने क्या करना है, 1 2, इन 2 फंदों को लेंगे और आगे से 2 का एक कर देंगे, ऐसे करके 2 का एक किया, जाली डालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो चुका है, उसकी कमी को पूरा करने के लिए जाली डाल देंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे और इस फंदे की डायरेक्शन चेंज करके फ्लिप कर लेना है हमने,
और इन दो फंदों का पीछे से दो का एक कर देंगे। यहाँ पर दोनों साइड हमारा एक एक फंदा अगर कम हुआ है तो वो फंदा हमने जाली से बढ़ाया भी है। तो अब यहाँ पर ना तो कोई फंदा कम है ना ही ज़्यादा है, बीच में एक फंदा सीधा। यहाँ पर हमारा एक पैटर्न सेट हो चुका है, इन्हीं फंदों को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। दूसरा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पर सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, इन दो फंदों का आगे से हमने दो का एक कर देना है। ऐसे करके दो का एक किया, एक फंदा कम हो चुका है, जाली डाल देंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे। अब हम लेफ्ट साइड में इस फंदे को फ्लिप कर देंगे और बैक साइड से दो का एक कर देंगे, एक फंदा सीधा। तीसरा पैटर्न बनने जा रहा है, आगे से दो फंदों का एक किया, जाली डाली, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डाली और इस फंदे को फ्लिप करके बैक लूप से हमने दो का एक कर दिया। लास्ट के दो फंदे सीधे आ जाएंगे। स्टार्टिंग में भी हमारे दो फंदे सीधे आए हैं, यहाँ पर शुरू में ये देखिए एज स्टिच को छोड़ के दो फंदे सीधे, और लास्ट में भी हमारे एज स्टिच से पहले दो फंदे सीधे आ जाएंगे। फोर्थ रो को हम सेकंड रो मैंने कंप्लीट कर लिया है, चार सिलाइयां हमारी हो चुकी हैं। अब हम आ गए हैं फिफ्थ रो राइट साइड में प्रोसेस सेम रहेगा, लेकिन ये शिफ्ट हो जाएंगे, जो हमारा पैटर्न है वो शिफ्ट हो जाएगा, प्रोसेस सेम रहेगा जैसे हमने शुरू से बनाया था ना। ये देखिए पहले फंदे को स्लिप कर लेंगे, अब क्या करेंगे, एक दो, इन दो फंदों को छोड़ देंगे और तीसरे फंदे को ऐसे इसके ऊपर से पास कर देंगे। सेम तरीके से अगर हमारा एक फंदा कम हुआ है, पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर धागा रैप करके जाली डालेंगे और इस फंदे को भी सीधा बना लेंगे। तीन फंदे हमारे पूरे हो चुके हैं, एक दो तीन, तीन फंदे सीधे। स्टार्टिंग में जब हमने फर्स्ट रो में पैटर्न शुरू किया था, शुरू में हमने तीन फंदे सीधे बनाए थे, उसके बाद पैटर्न अप्लाई किया था। अब हमने शिफ्ट कर दिया, अब हमने क्या किया, पहले पैटर्न अप्लाई किया फिर उसके बाद तीन फंदे सीधे बनाए हैं। एज स्टिच को छोड़ के छः फंदे हो चुके हैं हमारे, और इन्हीं छः फंदों को हम पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाएंगे। एक दो, दो फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे को लेंगे और ऊपर से गिरा देंगे। पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, जाली डालेंगे, फिर इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे, तीन फंदे सीधे आ जाएंगे, एक दो तीन। फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, दो फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे को ऊपर से पास कर देंगे, पहले फंदे को बुन लेंगे, फिर जाली डाल देंगे धागा रैप करके, इस फंदे को भी हम सीधा बना लेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। लास्ट में भी सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे, दो फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे को इसके ऊपर से हमने गिरा देना है। पहले फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर जाली डालेंगे और इस फंदे को भी हमने सीधा बना लेना है, एज स्टिच को भी हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो जाती है राइट साइड से। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड सिक्स्थ रो, सेकेंड रो की तरह हमने पूरी उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी। तो इस तरह हमारी रॉन्ग साइड से सिक्स्थ रो कंप्लीट हो जाती है। अब हम आ गए हैं राइट साइड सेवन्थ रो में ये देखिए फर्स्ट स्टिच को स्लिप करेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, एक दो, दो फंदे सीधे बनाए, धागा रैप करके जाली डालेंगे और इस फंदे को फ्लिप कर लेंगे। ऐसे किया,
बैक लूप से दो फंदों का एक फंदा बना देंगे, एक फंदा सीधा आ जाएगा। अब हमने इस साइड से आगे से लेना है दो फंदों को और दो का एक कर देना है। ऐसे जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को फ्लिप कर देंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे। तो ऐसे हमने, ये देखिए एज स्टिच को छोड़ के पहले मैंने दो फंदे सीधे बनाए, जाली डाली, दो फंदों का एक किया, एक फंदा सीधा बनाया, फिर से आगे से हमने दो फंदों का एक किया और जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया और जाली डाली। इन्हीं फंदों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है, जो हमारे 6 फंदे हैं, एक फंदा सीधा आ जाएगा। इन दो फंदों को आगे से हमने दो का एक कर देना है, धागा रैप करके जाली डाल देंगे, एक फंदा सीधा, फिर से जाली डालेंगे, इस फंदे को फ्लिप करेंगे और बैक लूप से दो का एक कर देंगे। एक फंदा सीधा, इस फंदे को आगे से हमने दो का एक करना है, जाली डालेंगे और दो फंदे सीधे बना लेंगे, एज स्टिच को भी हमने सीधा बना लेना। तो इस तरह हमारी 7th रो कंप्लीट हो जाती है। 8th रो रॉन्ग साइड, 8th रो रॉन्ग साइड को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए 2nd रो की तरह हमने कंप्लीट कर लेना है। एट्थ रो रॉन्ग साइड से हमारी कंप्लीट हो चुकी है और इसी तरह से हमारा 8 सिलाइयों का जो पैटर्न है वो भी कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर छोटी छोटी डब्बियाँ बनती हैं। एक रो में आपको और बना के बता देती हूँ। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए, ये हमें पता चल रहा है कि ये 3 फंदे हमारे जो चैन आ रही है, दोनों साइड से चैन आ रही है और बीच में हमारा एक फंदा है। इन्हीं 3 फंदों को हमने ध्यान में रखना है कि दो फंदों को छोड़ के तीसरे फंदे को ऊपर से पास कर देना है। पहला फंदा सीधा बना लेना है, दूसरे में जाली डाल के एक फंदा सीधा बना लेना है, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो ऐसे हमारा पैटर्न आगे आगे बढ़ता जाएगा। 8 सिलाइयों का पैटर्न है, बहुत आसान है और बनके बहुत सुंदर लगता है। किसी भी प्रोजेक्ट पर डालेंगे तो बनके बहुत शानदार उभरता है। ये तो देखिए कितनी आसानी से बनता जाता है, बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। देखिए हमारी 2 डब्बियाँ बनके कंप्लीट हो चुकी हैं। इन्हीं 8 सिलाइयों को हमने बार बार रिपीट करते जाना है अपने पैटर्न में और शानदार प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।